Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we will start maths chapter number 2, addition and subtraction. Steps of problem solving. ये बहुत ही important topic है. So इसे ध्यान से सुनना और समझना. Okay children? Very good. The steps of problem solving help you think in an organized way and help you to decide how to solve the problem. पहले हम एक क्वेश्चन लेंगे और वो क्वेश्चन को हमें ऑर्गेनाइज्ड वे से डिसाइड करना है कि इसे हम कैसे सॉल्व करें. अंजलिस यंगर सिस्टर इज स्टार्टिंग अ स्टैम्प कलेक्शन. अंजलि गेव हर 118 स्टैम्प्स फ्रॉम हर ओन कलेक्शन. अंजलि है नाउ हैज 687 स्टैम्प्स विथ हर. हाउ मैनी स्टैम्प्स डिड अंजलि हैव इन द बिगनिंग. अंजलि की बड़ी बहन है, उसने स्टैम्प कलेक्शन स्टार्ट किया है. अंजलि ने उसे 118 स्टैम्प्स दिए. अब अंजलि के पास 687 स्टैम्प्स है. तो हमें देखना है कि अंजलि के पास कितने स्टैम्प्स थे. स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. स्टेप 1, रीड द प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. पहले हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन को रीड करना है और फिर उसे समझना है, अंडरस्टैंड करना है. How many stamps did Anjali have before she gave some stamps to her sister? Anjali ke paas kitne stamps the taki usne uski behan ko diye. Step 2. Find the important information given in the problem. Abhi problems mein hi hame information nikalni hai, problems se hi ki kya hai. Anjali gave 118 stamps. She still has 687 stamps with her. अंजलि ने 118 स्टैम्प्स उसकी बहन को दिए और अभी उसके पास कितने हैं देने के बावजूद 687 स्टैम्प्स. स्टेप 3. डिसाइड व्हाट टू डू. अब डिसाइड करना है कि क्या करना है. इफ़ यू पुट स्टैम्प्स लेफ्ट विथ अंजलि एंड द स्टैम्प्स शी गेव टू हर सिस्टर यू विल फाइंड हाउ मैनी शी हैड इन द बिगनिंग. अब हमें क्या करना है कि डिसाइड करना है कि अब हमें क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो हम देखेंगे अभी स्टेप 4 में. स्टेप 4, सॉल्व द प्रॉब्लम एंड आंसर द क्वेश्चन. तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में हमें डिसाइड करना था कि अंजलि ने 118 स्टैम्प्स दिए और उसके पास 687 स्टैम्प्स है. तो अगर दोनों को इकट्ठा करें तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल उसके पास कितने थे. तो स्टेप 4 में हम देखते हैं, तो 118 प्लस 687 तो टोटल कितने स्टैम्प्स हुए, 805. तो हमें आंसर क्या मिला, अंजलि हैड 805 स्टैम्प्स इन द बिगनिंग. स्टेप 5, चेक योर आंसर. इज द कैलकुलेशन करेक्ट. येस, आई हैड द करेक्ट कैलकुलेशन. हमें देखना है कि हमने कैलकुलेशन स्टेप 5 में हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है, हमने क्या कैलकुलेशन गलत तो नहीं किया, हमें वो सब चेक करना है. ओके, हैव यू आंसर द क्वेश्चन करेक्टली. येस, आई हैव फाउंड हाउ मैनी स्टेप्स अंजलि हैव इन द बिगनिंग. डज द आंसर मेक द सेंस. येस, द अंजलि हैड द इन द बिगनिंग इज मोर देन व्हाट शी वॉज लेफ्ट. तो अंजलि के पास टोटल 805 स्टैम्प्स थे बिगनिंग में. अब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको ये 5 स्टेप्स याद ना रहे तो शॉर्टकट भी है उसका, जैसे कि R, रीड, F, फाइंड, D, डिसाइड, S, सॉल्व, C, चेक, R, F, D, S, C. मैंने तो एक छोटा सा सेंटेंस निकाला है, जैसे कि रीटा फाइंड्स डॉग सो क्यूट. आप भी अपना सेंटेंस निकालो. एक्सरसाइज 2, F, सॉल्व यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कीपिंग द स्टेप्स of problem solving in mind. Question number 1. On earth, an object weighs 6 times its weight on the moon. How much will a man who weighs 84 kg on earth weighs on the moon? देखो, कोई भी एक object हो earth पे, तो वो 6 time weight करता है moon पे. Okay? An object weighs 6 times its weight on the moon. तो अब हमें check करना है कि एक इंसान अर्थ पे 84 केजी का है तो मून पे कितना होगा. सो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन तो होगा नहीं, डिवीजन करेंगे. 84 डिवाइडेड बाय 6,
6 ones are 6, 8 minus 6, 2, 4 comes down, 6 fours are 24, 6 fours are 24. So, a man weighs 14 kg on the moon. Question 2. Mrs. Matthew ordered 275 idlis for the school party. She ordered 125 less samosas than idli. How many samosas did she order? Ab Mrs. Matthew ne school party rakhi thi. To unhone usme 275 idli mangwai. Aur 275 se 125 less samosa mangwai. To hume dekhne hai ki unhone total samosa kitne mangwai thai. To hum kya karenge isme minus karenge. 275 idlis minus 125 less samosas. 5 minus 5, 0. 7 minus 2, 5. 2 minus 1, 1. 150. So, Mrs. Matthew order 150 samosas. Now, rest of all the sums, you have to do it by yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Thank you, children, for listening.